अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान ट्रेंडिंग। मैं हूं अरबाब जहांगीर। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम सोशल मीडिया में ज़ेरे बहस मौजूआत को शामिल करेंगे। सोशल मीडिया पर कौन किन ख्यालात का इजहार कर रहा है, किस बारे में वहां पर सबसे ज्यादा गुफ्तगू हो रही है और कौन सा इवेंट ऐसा है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, ये सब कुछ और बहुत कुछ इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और सबसे पहले नजर डालेंगे आज के टॉप ट्रेंड्स पर। नवाज शरीफ के बाद जरदारी की बारी। पीपल्स पार्टी के गढ़ सिंध में कप्तान की धुआंधार एंट्री, कहा अब जरदारी को जेल भिजवाएंगे। हैशटैग हैदराबाद कप्तान का टॉप ट्रेंड बन गया। सानिया मॉडल टाउन का जिम्मेदार कौन, लाहौर हाईकोर्ट ने जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट मंजरेआम पर लाने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत का इनकार, फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। हैशटैग मॉडल टाउन हॉट ट्रेंड बन गया। इसहाक डार अदालत ना आए तो नैब अफसरान उनके घर पहुंच गए। वजीर खजाना की गैर मौजूदगी में समन उनके ड्राइवर ने वसूल किए। जायदाद की खरीदो फरोख से भी रोक दिया गया। हैशटैग इसहाक डार टॉप ट्रेंड्स में शामिल। और सजा याफ्ता खिलाड़ियों की लिस्ट में एक और इजाफा। पीसीबी के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने 6 माह बाद खालिद लतीफ की किस्मत का फैसला सुना दिया। 5 साल क्रिकेट से दूर रहेंगे, 10 लाख जुर्माना भी भरेंगे। हैशटैग खालिद लतीफ ट्रेंडिंग में शामिल। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ वक्तन फवक्तन सिंध का रुख करती रहती है, लेकिन इस बार इमरान खान ने हैदराबाद में धुआंधार एंट्री दी। पीपल्स पार्टी को उसी के गढ़ में चैलेंज किया और आसिफ जरदारी को जेल भिजवाने का ऐलान भी किया। कप्तान ने पिछले 10 साल में सिंध की तबाही का जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी को ठहराया और उन्हें सिंध की सबसे बड़ी बीमारी भी करार दिया। इमरान खान ने बिलावल भुट्टो पर भी तनकीद की। आसिफ जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में कप्तान ने कहा कि जिसने आज तक 1 रुपया नहीं कमाया, कोई काम नहीं किया, वो मुल्क क्या चलाएगा। बिलावल अपनी फूफी से पूछें कि सिंध में नौकरियां बेच बेच कर कौन पैसे कमा रहा है। हैशटैग हैदराबाद विद कप्तान में कौन किन ख्यालात का इजहार कर रहा है, इस बारे में कुछ ट्वीट्स हम शामिल कर लेते हैं। हमारा आज का टॉप ट्रेंड हैदराबाद विद कप्तान, और इसमें पहला ट्वीट खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ही है, जिन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं हैदराबाद के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतनी बड़ी तादाद में जलसे में शरीक हुए हैं। इमरान खान के बाद डॉक्टर आरिफ अलवी पीटीआई के रहनुमा हैं, अपने ट्वीट में लिखते हैं कि हैदराबाद में पीटीआई के लगाए गए होर्डिंग्स पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट की जानिब से उतार लिए गए। साथ ही उन्होंने एक क्लिप भी शेयर किया जिसमें एक सुजुकी को होर्डिंग्स ले जाते हुए दिखाया गया है। ये क्लिप आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसके बाद हलीम आदिल शेख पीटीआई के ही रहनुमा हैं और इन्होंने एक तस्वीर भी ट्वीट की है और लिखा है कि इमरान खान हैदराबाद एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। बहुत ही जोश, बहुत ही वलवला इनके इस ट्वीट से भी जाहिर हो रहा है, क्योंकि इमरान खान की तस्वीर भी इन्होंने साथ ही ट्वीट की है। पीटीआई के एक और रहनुमा अंदलीब अब्बास लिखती है कि ये हैदराबाद है जहां रिकॉर्ड ब्रेकिंग और बड़ा क्राउड जमा हुआ। ये पीटीआई की हिमायत में और स्टेटस को की मुखालफत में आए हैं। साथ ही इन्होंने भी एक क्लिप शेयर किया है, ये क्लिप आप देख सकते हैं, जिसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और इमरान खान के खिताब का ये इंतजार कर रहे हैं। यहां पर परचम पीटीआई के लहराए जा रहे हैं और पीटीआई कारकुनान बड़ी तादाद में इस वक्त इस जलसे को एंजॉय भी कर रहे हैं। अगला ट्वीट जानशेर का है। जानशेर जुनेजो लिखते हैं कि मीरपुर खास के लोग हैदराबाद रवानगी से कबल 4 मीनार पर वाया वाया, जो कि तहरीक इंसाफ का एक मखसूस गाना है, वो एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने भी एक क्लिप शेयर किया है और ये क्लिप भी आपको दिखाते हैं कि इन्होंने अपने क्लिप में क्या वीडियो शेयर की है।
अगला ट्वीट शामिल करते हैं। हैंडलर अजनबी लड़की लिखती हैं कि हैदराबाद के लोग कप्तान का साथ दें और अल्ताफ और भुट्टो के नाम पर गुलामी का खात्मा कर दें। एक तस्वीर भी इनकी जानिब से ट्वीट की गई है और अपने ट्वीट में इन्होंने अल्ताफ हुसैन और भुट्टो हैं उसके खात्मे की बात भी की है। अगला ट्वीट अली रजा का है जो लिखते हैं कि मेरे घर के बाहर रिक्शा ड्राइवर इमरान खान की तकरीर सुन रहा है और यही तब्दीली है जिसका इमरान खान दावा करते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ और ट्वीट शामिल करते हैं। जावेद नायाब लगारी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि कुल 6000 कुर्सियां हैं जिनमें से आधी खाली हैं। नियाजी हैदराबाद में 5000 लोग भी जमा करने में नाकाम हो गए। बेहतर है कि नियाजी साहब सिंध से चले जाएं। कुछ तस्वीर को भी इन्होंने ट्वीट का हिस्सा बनाया है जिसमें जलसे का ग्राउंड मौजूद है और खाली कुर्सियां भी देखी जा सकती हैं। इसके बाद जीएम बरीरो का ट्वीट है और ये लिखते हैं कि फोटोशॉप इमेजेस से एहतियात करें, ये हकीकी वीडियो है जो बता रही है कि बेशतर कुर्सियां खाली पड़ी हैं। और इस क्लिप को भी उन्होंने अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया जिसमें कई खाली कुर्सियां देखी जा सकती हैं। ये जीएम बरीरो की अपनी राय है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं और अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं। आखिरी ट्वीट शामिल करते हैं अब्दुल माजिद का जो लिखते हैं कि 70% नशस्तें खाली पड़ी हैं, जलसा गाह कुर्सियों की रैली का मंजर पेश कर रहा है जबकि इमरान खान का खिताब जल्द शुरू होने वाला है। तरीकन साहब इस वक्त सिंध में खासी एक्टिव दिखाई दे रही है और इसी मौजू पर इस वक्त बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह साहब। नासिर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। बताइएगा कि तरीकन साहब ने हैदराबाद में जलसा किया, उनके मुताबिक बहुत बड़ी तादाद में लोग भी जमा हो गए थे। हैदराबाद में तरीकन साहब ने जलसा किया, वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हमने जमा कर लिए और अब सिंध से हम ही हुकूमत बनाएंगे, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए जलसा तो आपके पास ही रिकॉर्ड में मौजूद है और कितने लोग थे वहाँ पे, और अब अमूमन खान साहब के जलसों में जो हैं वो कुर्सियाँ खाली भी नजर आती हैं, हालांकि वो जो तादाद बताते हैं उससे भी वो कम करके लगाते हैं कुर्सियाँ, उसके बावजूद ये हालत है। और सिंध में आपने हैदराबाद के जलसे का जिक्र किया और फिर आप कहते हैं कि ये सिंध में इनको पजीराई मिलेगी। जो शख्स सिंधी टोपी पहनना पसंद ना करे और इतना मगरूर हो कि वो सिंधी टोपी को वापस कर दे, इस तरह के बंदे को यहाँ क्या पजीराई मिलेगी? सिंधी टोपी की बहुत इज्जत है, हमारा कल्चर है, अजरक और सिंधी टोपी की बहुत अहमियत है हमारे पास, और वो लीडर क्या आम लोगों में पजीराई हासिल करेगा जो सिंधी टोपी पहनना भी गवारा ना करे? और फिर इनकी सिर्फ बातें होती हैं। और अब जाहिर है मीडिया के लिहाज से, आपके तवसुत से, और आपने हर चीज को सामने लाकर रखा हुआ है कि जो ये दावे करते हैं कि हमने ये कर दिया, ये हमेशा आपको पता है करप्शन की बात करते हैं, हालांकि ये खुद करप्शन की पैदावार है। इनके अब हम लोग कभी भी बदतमीजी की सियासत नहीं करते, लेकिन इन्होंने इस बात पे हमें मजबूर कर दिया है। इनके वालिद इनामुल्लाह खान नियाजी साहब को करप्शन के इल्जाम में उतारा गया था, उन पर जेल गए थे वो, ये इनसे डिनाई करते हैं इस बात पे। ये खुद इनका करैक्टर लेस आदमी है जिसका अपनी जो मुख्तलिफ, आपको पता है इनके ऊपर क्या इल्जाम लगते हैं, क्या बातें होती हैं, सही, उसके बावजूद ये हर चीज से डिनाई करते हैं, लेकिन आपके पास सब रिकॉर्ड मौजूद है, हम नहीं चाहते इस तरह लेकिन की बातें। नासिर साहब वो तो ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में जो सिंध में तबाही आई है उसके जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी हैं, उनका जो दौरे हुकूमत था उसमें सिंध तबाह बर्बाद हुआ है। अब वो उनका सोच है, जो वो जिस तरह वो झूठ बोलते हैं ये भी वैसे ही झूठ है और सफेद झूठ है। वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, शरई तौर पे भी अगर कोई आदमी बगैर सोचे समझे, बगैर तस्दीक के कोई उसके कान में कुछ कहे और वो आगे बात फैलाता है तो उसके झूठे होने में कोई शक नहीं है, ये तो शरई तौर पर है। लेकिन इसके आपने देखा होगा मुख्तलिफ जलसों में कोई आके इसके कान में कुछ कहता है और ये आगे बोल देता है। अब जी वो कहता है कि जी आसिफ साहब जो थे वो बैम्बिनों पे टिकट ब्लैक करते थे, वो भाई अकल के अंधे, वो बैम्बिनों का मालिक था, वो जो सिनेमा है बैम्बिनो किसी और का नहीं, उसके वालिद मोहतरम हाकिम अली जरदारी और जिसका वो अकलौता बेटा है जिसकी वो मिल्कियत थी, तो अपने सिनेमा में ब्लैक करने, मतलब ये उसके झूठ की हद है। फिर कहता है जी नौकरियां जो है
वो बेची जा रही हैं, बांटी जा रही हैं। आप बताएं, बैन लगा हुआ है नौकरियों पे, कोई नौकरी नहीं किसी को दी गई। जो नौकरियां, बिलावल भुट्टो से मुखातिब होकर उन्होंने यही कहा कि अपनी फुप्पो से बिलावल भुट्टो पूछे, यानी फरियाल तालपुर से पूछे कि नौकरियां बेचकर कहां जा रहे हैं पैसे, कैसे पैसे कमाए जा रहे हैं। वाकई ऐसा हो रहा है? फरियाल तालपुर साहिबा हमारी काबिले इज्जत व एहतराम बहन है और हम हमेशा ख्वातीन की इज्जत करते हैं, हम तो इनकी ख्वातीन की भी इज्जत करते हैं। और लेकिन ये मैंने बताया ना कि ये बदतमीजी की सियासत की तरफ हमें कर रहे हैं कि हम लोग भी इसी तरह लोगों के नाम लें। अब असल में इशू ये है कि जो काम करता है, जो पॉलिटिकली तौर पर अच्छा काम करता है, जो वहां पे लोगों में पजीराई मिलती है, उसको ये टारगेट करते हैं। वो हमारी बहन है और बहुत काम कर रही हैं, इसलिए उनको हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मैं उसी पे आ रहा था ना कि एक नौकरी भी, इतने अरसे से तो बहन है तो नौकरी कहाँ दी जा रही है? जब दी नहीं गई तो बेचता कौन है? कौन से हाउस से लोगों को ऑर्डर्स मिले हैं? कौन से हाउस से ये कह रहे हैं कि जी लोगों को कोटा मिल रहा है? बिल्कुल झूठ, सफेद झूठ बोला जा रहा है। और इस पर तो इनके ऊपर जिस तरह इन्होंने कहा है, इनके ऊपर केस दाखिल होना चाहिए। और वो हम हक रखते हैं कि इनके जो झूठ झूठे जो इल्जाम हैं उन पर हम लोग इन पर केस दाखिल करें। अच्छा, और इन पे होने चाहिए। नासिर साहब, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की उन्होंने मिसाल दी कि वहां पर अब पुलिस करप्शन से पाक है, गैर सियासी हो चुकी है। सिंध की पुलिस को कब आप करप्शन से पाक करेंगे और गैर सियासी करेंगे? देखिए, ये सिर्फ इनकी बातें हैं। पुलिस की भी एक थाना इन्होंने कोई बहुत खूबसूरत सा बना दिया है जिसकी तस्वीर करते हैं। पुलिस का हाल वहां पे और बदतर है। ये कहते हैं कि जी हमने लोकल गवर्नमेंट को बहुत अच्छा कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, रिमार्क्स आए हैं हमारे जस्टिस साहिबान के, जिन्होंने कहा है कि केपीके का जो बलदियाती निजाम है वो बिल्कुल बुरा हाल है उसका। वहां पे तो इन्होंने जो इनके मुखालिफ नाजिम है उनको हटा दिया गया, जबरी उनको हटाया गया, जिनको फिर कोर्ट में रिलीफ मिला। ये सिर्फ बातें करते हैं, इन्होंने बातें की, एहतसाब की। एहतसाब कमीशन का जो इन्होंने एक सरबरा लगाया वो जनरल साहब थे, जब उन्होंने इनकी करप्शन पकड़ी तो आपने देखा रातों रात उसको हटा दिया गया। आज तक उसका कोई सरबरा जो है ना वो लीगली नहीं लगा, वो किसी और को चार्ज दिया हुआ इन्होंने। ये बात करते हैं जी हमने एजुकेशन का बड़ा अच्छा हाल कर दिया जी, वो तो हमारे जो सरकारी स्कूल है वहां पे लोग जो है वो प्राइवेट स्कूलों से अपने बच्चे दाखिल कर रहे हैं जी, उनकी बड़ी अच्छी रिजल्ट है। एक पोजीशन इस दफा वहां पे जो है नहीं आई इनके किसी भी सरकारी स्कूल की। और उसके बरक्स आप सिंध बोर्ड का भी देखें, अभी जो रिजल्ट आया है मैट्रिक के, उसमें वहां पे हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चों और बच्चियों की पोजिशन आई है, गरीब बच्चों बच्चियों की। ये लेकिन ये सिर्फ बात करते हैं, हेल्थ को बोल रहे हैं कि हमने इतना अच्छा कर दिया। वो एक मरीज को देखने ये नहीं गए डेंगू के, तो इतना ये मच्छर से डरते हैं। अच्छा, जो लीडर मच्छर से डरे जी वो क्या वहां पे सर्व करेगा? अच्छा, नासिर हुसैन शाह साहब, 26 सितंबर को भी पीटीआई का एक वफ्त आ रहा है और वो एमक्यूएम से मुलाकात करेगा। वो तो खैर कौमी असेंबली में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को तब्दील करने का मामला है उस मामले पर वो मुलाकात होगी, लेकिन अगर 2018 के लिए भी अलायंस बनता है पीपल्स पार्टी के खिलाफ एमक्यूएम और पीटीआई का, तो आप समझते हैं कि पीटीआई पीपल्स पार्टी के लिए खतरा हो सकता है? ओहो सर, ये हो रहा है क्या? ये तो आसमान गिर पड़ेगा। कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई, ये पड़े जितने मर्जी आए इत्तेहाद कर ले, और पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा इस तरह के इत्तेहाद बनते हैं। और ये दो भी बना के अपना शौक पूरा कर ले। अभी आपके सामने है रिजल्ट, अभी देख ले, जो अभी 114 का कराची का ही रिजल्ट देख ले, जिसमें पीटीआई को क्या पजीराई मिली। पीटीआई एमक्यूएम दोनों के वोट भी मिला लें तो पीपल्स पार्टी के वोट ज्यादा है, और ये वो सीट थी जो पीपल्स पार्टी की नहीं थी। लोगों ने अब पहचान लिया है कि उनकी तबाही के जिम्मेदार कौन है। उनके कराची के लोगों को भी ये पता चल गया है कि उनकी तबाही के जिम्मेदार ये एमक्यूएम वाले ही हैं। इन इदारों का, केएमसी, वाटर बोर्ड, दूसरे इदारों में जो ये सारा कुछ हाल हुआ है, आज हशर हुआ है, इसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं। लोग अब सब समझ गए हैं और आपकी मीडिया ने भी उनको सब चीजें दिखाई हैं, इसलिए अब वो अपना फैसला खुद ही करेंगे। 2018 का इलेक्शन जो है वो बिल्कुल इंशाल्लाह आपके सामने होगा, और क्योंकि अब वो धोस धांधली वाली सियासत नहीं है, वो बोरी बंद वाली सियासत नहीं है जी। जब से सिंध में ये ऑपरेशन हुआ, जिसका क्रेडिट रेंजर्स को जाता है, जिसका क्रेडिट पाक फौज को जाता है, जिसका क्रेडिट
पुलिस सिंध पुलिस को जाता है, सिंध गवर्नमेंट को जाता है, कराची के शहरियों को जाता है, जिनकी कुर्बानियों की वजह से हमें ये कामयाबियां मिली हैं। और अब ये दोनों दांधली की सियासत नहीं होगी, लोग अपनी राहदेही की आजादी से इस्तेमाल करेंगे और वो पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। ठीक है नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। नासिर हुसैन मौजूद कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी को आने वाले इलेक्शन में भी कोई खतरा नहीं है और सिंध से पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाएगी। ये गुफ्तगू आपने सुनी, अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे #ModelTown की। हमारे साथ रहिए, वेलकम बैक। नाज़रीन, लाहौर हाईकोर्ट ने सानेह मॉडल टाउन की जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस बाकर अली नशवी कमीशन फी कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने के लिए सानेह मॉडल टाउन के मुतासरीन की जानिब से लाहौर में दरख्वास्त दायर की गई थी। इस दरख्वास्त में ये मौकफ इख्तियार किया गया था कि जुडिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट सानेह मॉडल टाउन ट्रायल में अहम किरदार अदा कर सकती है, लिहाजा इसे मंजर आम पर लाने का हुक्म दिया जाए, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर पर मुश्तमिल सिंगल बेंच ने फैसला सुनाते हुए होम सेक्रेटरी पंजाब को सानेह की जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट को पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक हुकूमत ने रिपोर्ट पब्लिक ना करने का फैसला किया है, जिसके तहत वजीर आला पंजाब की हिदायत पर एक इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर दी गई है। #ModelTown पर लोग क्या सोच रहे हैं, किन ख्यालात का इजहार ट्वीट्स में किया जा रहा है, कुछ ट्वीट्स इस बारे में कर लेते हैं। पहला ट्वीट है डॉक्टर ताहिरुल कादरी का, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबरा, लिखते हैं कि शहबाज शरीफ की हिदायत पर पाकिस्तान का बदतरीन कत्लेआम मॉडल टाउन में बर्पा किया गया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बाद अगला ट्वीट है एंकर अमीर अब्बास का, ये लिखते हैं कि तारीखी फैसला शहरियों के जानने के हक को मजबूत करेगा, हुकूमत और इदारों की जानिब से इख्तियारात और ताकत के गलत इस्तेमाल की रोकथाम होगी। अमीर अब्बास के बाद अंजुम कियानी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि पनामा फैसला तो सिर्फ शरीफ खानदान को जेल पहुंचाएगा, लेकिन मॉडल टाउन का कत्लेआम उनका जुलूस ही निकाल देगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ मजीद ट्वीट शामिल करते हैं। फरहान के वर्क लिखते हैं कि अब पंजाब हुकूमत ने फैसले को चैलेंज करने का फैसला कर लिया, ऐसे में किस तरह कानून की बालादस्ती मुमकिन है। फरहान के बाद मंसूर खोसो अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि मैं क्यों अपने मुल्क का तहफ्फुज़ कर सकूंगा जबकि आम आदमी को इंसाफ ही मयसर नहीं है। मंसूर के बाद शहजाद सादिक अपने ट्वीट में अपनी राय देते हैं कि उन्होंने कहा कि जिसकी उम्मीद थी वही हो रहा है, मॉडल टाउन कत्लेआम के किरदार मुल्क से फरार इख्तियार कर रहे हैं, हुक्काम को नोटिस लेते हुए उनके नाम ECL में डालने चाहिए। माजिद अली अपने ट्वीट में ये कहते हैं कि ये गुल्लूबट हुकूमत चाहती है कि सिविल वॉर शुरू हो जाए, यही वजह है कि अदलिया के हर फैसले पर यहाँ पर महाज आराई हो रही है। माजिद के बाद जुनेद उमर का ये ट्वीट है जिसमें इन्होंने कहा कि आलाकार सिर्फ मॉडल टाउन की बात करते हैं, इनमें लाल मस्जिद और जामिया हफ्सा के बारे में बात करने की हिम्मत ही नहीं है। जुनेद के बाद अनस टीपू का ट्वीट जिसमें इन्होंने लिखा कि लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से मॉडल टाउन इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का बेहतरीन फैसला, अहमदाबाद कमीशन की रिपोर्ट के बारे में क्या ख्याल है, क्या उसे भी मंजर आम पर आना चाहिए। आदिल जलानी का एक आखिरी ट्वीट है, आदिल जलानी लिखते हैं कि मॉडल टाउन कत्लेआम के कसूरवारों ने संगीन जुर्म किया है, कसूर मुतासरीन 39 माह से इंसाफ के मुंतजिर हैं। #ModelTown पर ये ट्वीट्स आपने देखे। और अब इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, अदालत की जानिब से तो फैसला दिया गया था कि इस रिपोर्ट को पब्लिश कर दिया जाए, मंजर आम पर लाया जाए, लेकिन पंजाब हुकूमत की तरफ से एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की गई है, आप कहाँ जाता देख रहे हैं इस केस को? देखें, मैं तो समझता हूँ इसकी इंट्रा कोर्ट अपील ही नहीं हो सकती मेरे ख्याल में, और ये केस जो है, केस तो पहले से ही दायर है, वो केस दायर नहीं होना, शापें भी हो चुकी हैं। सिर्फ ये जस्टिस नजवी की रिपोर्ट साथ लग जानी है केस में कि हाई कोर्ट के जजेस ने ये कहा है, ये उनकी राय है, इसके बाद ये केस जो है वो सिक्का बंद हो जाना है। अच्छा, तलाल चौधरी जी, जी जी आप बात कीजिए। जी जी पूछें तलाल चौधरी। तलाल चौधरी ये कह रहे हैं कि अगर रिपोर्ट मंजर आम पर लानी ही है तो तमाम कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए, फिर सिर्फ ये रिपोर्ट ना लाई जाए। सर जी, वो भी हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। ऐसे मैं जो जितना मुझे इल्म है कि 14 लोग शहीद हुए हैं जिनकी मेडिकल रिपोर्ट है। सही। पीटीआई का ये क्लेम है कि 27 लोग शहीद हुए हैं, बाकियों की उनके पास मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी, इसलिए उन्होंने केस दायर नहीं कराया। 100 जख्मी है। अच्छा। इसमें मेरा ख्याल है 50 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं, और अब अगर ये जस्टिस नशवी की रिपोर्ट आम हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा बन जाएगी और ये एक बहुत बड़ा केस होगा दुनिया सियासत का, एक बहुत बड़ा केस होगा जिसमें के बहुत सारे लोगों को लेने के देने पड़ सकते हैं।
क्योंकि इन्होंने कोशिश की है कि इन 14 लोगों के बयान ले लें या 100 जख्मियों के बयान ले लें, और 3-3 करोड़ रुपया भी ऑफर की, लेकिन कोई आदमी, किसी ने अपना बयान नहीं बदला और किसी ने इनके साथ सुलहनामा नहीं लिख के दिया। इसलिए अगर ये जस्टिस नजफी साहब की रिपोर्ट इस केस का हिस्सा बन गई तो समझ लो ये फारिग है। ठीक है, तो शेख साहब ये कमीशन तो इन्होंने खुद ही बनाया था ना, पंजाब हुकूमत ने अपने ही बनाए हुए कमीशन की रिपोर्ट को सामने नहीं ला रहे, क्या नुकता हो सकता है इसके पीछे? सर आप इसके साथ नवाज शरीफ साहब की वो बयान बताएं ना, उसने कहा कि मैं एक मिनट नहीं रहूंगा अगर किसी ये कमीशन की रिपोर्ट मेरे खिलाफ आ गई। यकीनन वो आपके पास होगी, अगर नहीं होगी तो वो चलाएं, और वो बड़ा तारीखी बयान है जो नवाज शरीफ साहब ने दिया कि ये मैं कमीशन बना रहा हूँ और मैं एक मिनट भी नहीं रहूंगा अगर ये रिपोर्ट मेरे खिलाफ आ गई। जाहिर है खिलाफ होगी तो तब ये सारे इले अटकंडे इस्तेमाल करें। सो लेट्स सी, मेरे ख्याल में जस्टिस नजफी की रिपोर्ट अगर ये शाया हो गई और उस केस का हिस्सा बन गई तो बस फिर इनके लिए बड़ी मुश्किल है। अच्छा, अब आप मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं कि मॉडल टाउन वाकये में भी अब इंसाफ हो सकेगा, क्योंकि अब लाहौर हाईकोर्ट का तो फैसला आ गया, इंट्रा कोर्ट अपील जो दायर की गई है उस पर आगे कार्रवाई कैसे होगी? पता नहीं, मैं इतना लायर, एक ही केस मैंने दो लड़े हैं, दो तीन, मैं नहीं समझता कि इस केस की कोई इंट्रा अपील हो सकती है। मेरे ख्याल में एक क्या आर्टिकल, मुझे मेरा ख्याल 91 है, उसके तहत राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर मैं आर्टिकल गलत पढ़ रहा हूं तो पढ़े लिखे लायर मुझे माफ कर दें, मेरा ख्याल है 91 है, उसके तहत राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि हर आदमी को इंफॉर्मेशन का हक मिलना चाहिए कि यहाँ ये जो फैसला और इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी क्या रिपोर्ट है, और उसके तहत ये मेरा ख्याल है कि इसका राइट ऑफ अपील नहीं है। और जस्टिस नजफी की रिपोर्ट जब हिस्सा बन गई, ये कोशिश कर लें 25 तारीख को, तो फिर ये इनके लिए काफी मुश्किल होंगी और ये मुल्क किसी कोई नया रुख इख्तियार कर सकती है सियासत पाकिस्तान में। तो शेख साहब, अक्सर सियासी मामला में आप दुरुस्त पेश गोइयां भी करते रहे हैं, ये बताएगा इस मामले में आपकी क्या पेश गोई है, कब तक ये फैसला आ जाएगा सामने? 4 से 6 महीने में पहले कह रहा हूँ कि झाड़ू गिर जाना है इस मुल्क में। 4 महीने तो मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, एहतियातन 6 महीने कहता हूँ, बाज का मुहर्रम की छुट्टियां हैं, दूसरे लोग हैं, तो 4 से 6 महीने में मार्च से पहले पहले नून लीग का यहाँ तिया पांचा हो जाएगा और इनके ताबूत सियासी निकल आएगा धूमधाम के साथ। ठीक है, 4 से 6 महीने आप कह रहे हैं कि इसमें ही इनका ताबूत निकल आएगा और इसी में इन तमाम केसेस का फैसला हो जाएगा। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब गुफ्तगू करने के लिए। शेख रशीद गुफ्तगू मॉडल टाउन के हवाले से, अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे #इसहाक डार की, हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। एहतसाब अदालत ने नाजायज असासा जात रेफरेंस में अदम पेशी पर वजीर खजाना इसहाक डार के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। समन वजारत खारजा को मौसूल हुए और अदालती अहकाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की गई। समन की तामील के लिए नैब की टीम पहुंची वजीर खजाना के घर, जहाँ इसहाक डार की अदम मौजूदगी पर उनके ड्राइवर को समन वसूल कराए गए और मुलाजमीन से पूछगछ भी की गई। दूसरी जानिब नैब ने वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की तमाम जायदाद की मुंतकली और फरोख पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इस सारे मामले में न सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया की तवज्जो रही बल्कि सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर बहुत ज्यादा बात हुई। #इसहाक डार पर लोग क्या सोच रहे हैं, सोशल मीडिया यूजर्स किन ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, इस बारे में शामिल करते हैं। पहला ट्वीट है सोबिया कमाल खान का, जो लिखती है कि करप्ट इसहाक डार के खिलाफ नैब की तहकीकत हो रही है, अदलिया से फरार लेकिन ताहाल पाकिस्तान के वजीर खजाना हैं, क्रिमिनल्स पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये सूबिया की राय थी। आसिफ अफरोज अपने ट्वीट में लिखते हैं कि अब तो इन नासूरों से छुटकारा दिलाने वालों पर भी एतबार ना रहा, याद रहे कि इसहाक डार ने ही वो बयान दिया था वजीर खजाना बनने से बहुत पहले। यह थी आसिफ अफरोज की राय। आगे बढ़ते हैं और एक ट्वीट है राशिद महमूद का, जो ये कहते हैं कि तंज करते हैं और इन्होंने लिखा कि एक अहम ऐलान, मुंशी पाकिस्तान गायब हैं, अगर किसी को मिल जाएं तो नैब के हेड ऑफिस पहुंचा जाएं, शुक्रिया ये ऐलान खत्म हुआ। अगला ट्वीट है डॉक्टर ताहिर का, और डॉक्टर ताहिर ये लिखते हैं कि इसहाक डार अंदर से बाहर से कमाया, अंदर आवाम से टैक्सों की सूरत में और बाहर IMF से कर्जों की सूरत में, दोनों सूरतों में उन्होंने कमाया और अब वो खुद भी मुल्क में मौजूद नहीं। शब्बीर हुसैन इमाम अपने ट्वीट में मुतालबा करते हैं कि इसहाक डार को गिरफ्तार किया जाए और साथ ही लिखते हैं कि जरा तसव्वुर करें कि पाकिस्तान की फाइनेंस का जहां वजीर खजाना इसहाक डार एहतसाब अदालत में मुलजिम ठहराए गए हैं।
शब्बीर के बाद सबील हसनैन का ट्वीट जो लिखते हैं कि काजी फैमिली ने कोई अकाउंट नहीं खुलवाया, ये इसहाकदार थे जिन्होंने जाली अकाउंट खोला और मनी लॉन्ड्रिंग की। सुप्रीम कोर्ट जल्द हुदैबिया केस की समाअत भी करेगा और उस पर भी फैसला सामने आएगा। अगला ट्वीट इमरान अहमद का, इन्होंने इसहाकदार के मामले के तनाजुर में लिखा कि मरियम नवाज NA-120 के इंतखाब के 10 घंटे बाद पाकिस्तान से फरार हो गई क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ रहने पर गिरफ्तार कर ली जाएंगी। इमरान के बाद बिलाल अख्तर का ट्वीट है जो लिखते हैं कि पाकिस्तान इकोनॉमी के हिटमैन को जाना चाहिए, देखें मकामी कारोबार बदहाली का शिकार है, लोग एतमाद खो रहे हैं और बैंक डिपॉजिट्स कम हो रहे हैं। बिलाल के बाद आयशा नूर का ट्वीट है और ये लिखती हैं कि कोई मुझे बताए कि काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी हुए, इसलिए कि इसहाकदार वजीर हैं। ये आयशा की अपनी राय है, इनका अपना सवाल है। एक आखिरी ट्वीट आमिर खलील का है जो ये लिखते हैं कि बैरूनी कर्जे जो 2013 में 68 अरब डॉलर थे वो बढ़कर 76 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं, ये साबित करता है कि इसहाकदार की डिग्री जाली है। #इसहाकदार पर ये ट्वीट्स आपने देखे और अब यहाँ पर ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे #खालिद लतीफ की, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। साथी खिलाड़ियों को फिक्सिंग पर उकसाने समय 6 इल्जामात साबित होने पर क्रिकेटर खालिद लतीफ को मुजरिम ठहरा दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने 6 माह की कार्रवाई के बाद पाकिस्तान सुपर लीग स्पॉट फिक्सिंग केस में खालिद लतीफ पर 5 साल की पाबंदी और 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। पाबंदी का इतलाक 10 फरवरी 2017 से होगा जिस दिन उन्हें मुअत्तल किया गया था। दूसरी जानिब खालिद लतीफ और उनके वकील ने फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि सजा की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इससे कबल मोहम्मद इरफान पर 6 माह, मोहम्मद नवाज पर 1 माह जबकि शर्जील खान को 5 साल की सजा हो चुकी है जिसमें 2.5 साल मुअत्तली भी शामिल है। #खालिद लतीफ पर लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सजा सही है गलत है, लोगों की राय जानते हैं। #खालिद लतीफ में पहला ट्वीट PCB की ऑफिशियल ID से किया गया है जिसमें कहा गया है कि एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल ने खालिद लतीफ को मुजरिम ठहरा दिया है और इस फैसले के तहत 5 साल के लिए उन पर पाबंदी आयद की गई है जबकि 10 लाख रुपए जुर्माना भी उनको भरना होगा। इसके बाद सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर सहाफी OS तौहीद ने अपने ट्वीट में लिखा कि खालिद लतीफ स्पॉट फिक्सिंग पर 5 साल की पाबंदी का सामना उनको है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इमेज पर एक और धब्बा लग गया और खालिद लतीफ और नासिर जमशेद का नेक्सस, लेकिन बदकिस्मती से शर्जील भी इसका शिकार बने हैं। OS तौहीद के बाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आसिफ खान लिखते हैं कि खालिद लतीफ के वकला का दावा है कि खालिद लतीफ को फोन कॉल पर धमकी मिली है, FIA में अपील उनकी जानिब से दायर की जाएगी। आसिफ खान के बाद अगला ट्वीट है दानियाल अली खान का और इन्होंने अपने ट्वीट में अफसोस जाहिर किया और लिखा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और बुरा दिन था, एक और खिलाड़ी को पाबंदी का सामना करना पड़ा। मूसा पड़ाइश लिखते हैं कि खालिद लतीफ पर 5 साल की पाबंदी और 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया गया। खालिद ने इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए बहुत इंतजार किया और अब उन्हें बाहर निकाल दिया गया, इस तरह एक और टैलेंट जाया हो गया है। मूसा के बाद अली शफकत लिखते हैं कि यह हैरान कुन है कि PCB और उसके वकला ने कैसे साबित कर दिया कि खालिद लतीफ ने जानबूझकर डॉट बॉल्स खेली, ये सरासर पागलपन है और बिल्कुल गैर हकीकी है। शफकत के बाद मुतजलजल उज़्ज़मा लिखते हैं कि याद रहे कि राशिद लतीफ ने यह पहले ही कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खालिद लतीफ, शर्जील खान और दीगर खिलाड़ियों को सेलेक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि ये खिलाड़ी मैच फिक्सिंग का हिस्सा नहीं बन सकते। हसनैन खान देसवाली अपने ट्वीट में लिखते हैं कि सिंध के खिलाड़ी को 5 साल की पाबंदी और इरफान और नवाज के लिए सिर्फ 6 माह की पाबंदी, मुकम्मल तौर पर तासुबाना फैसला यह है, लेकिन कोई सबूत इस फैसले में नहीं मिल सका, फिर भी पाबंदी लगा दी गई। अगला ट्वीट है फैसल खान का जो लिखते हैं कि क्यों दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वालों को माफी और कराची से ताल्लुक रखने वाले को निशाना बनाया गया। फैसल ने #दानिश कनेरिया, शर्जील, फवाद और खालिद लतीफ को भी अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया है। एक आखिरी ट्वीट शामिल करते हैं जो है उबैदुल्ला अफरीदी का और इन्होंने खालिद लतीफ की एक तस्वीर को अपने ट्वीट का हिस्सा बनाया और खालिद लतीफ को दी गई सजा को अफसोसनाक भी करार दिया है। #खालिद लतीफ पर ये ट्वीट्स आपने देखे, इसी मौजू पर अब बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर साहब। अब्दुल कादिर साहब, एक और खिलाड़ी मैच फिक्सिंग की भेंट चढ़ गया, क्या पाकिस्तान में इसी तरह से टैलेंट जाय होता रहेगा? देखिए बात यह है कि ये एक बड़ा ही ऐसा इशू है पाकिस्तान की तारीख में जिसको कभी भी संजीदगी से नहीं किया गया और इसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन रखी गई और इसके अंदर भी लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला भी जारी रहा। अगर आप पाकिस्तान की तारीख में अपने ग्रेट्स को, जिनको सुप्रीम को हाई कोर्ट ने जस्टिस सिल्यूम की रिपोर्ट आप पढ़ लें, उसमें जो भी फैसले किए गए उस पर भी अमल नहीं किया गया,
तो मकसद कहने का ये है कि अगर इसके ऊपर कोई सख्त रूल जो है, जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और वो भी उसके ऊपर फिर एक कमेटी बिठा के और फिर उसको साला साल चलाती है और पाकिस्तान की बदनामी इंटरनेशनली होती है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये तो भाई ऐसे रूल असूल बनाओ, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इसके ऊपर, और जो पकड़ा जाए उसको एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जो है उसका फैसला सुनाया जाना चाहिए, और जब वो कोई गिल्टी पाया जाए तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि जी 2 साल की पाबंदी, 6 माह की पाबंदी, ये वो, ये नहीं, उसको स्ट्रेट अवे लाइफ बैन करना चाहिए। और उसने अगर 1 करोड़ रुपए कमाया हुआ है तो 2 करोड़ रुपए उसको जुर्माना किया जाए और फिर FIA से इंक्वायरी करवा के 3-4 साल उसको अंदर रखा जाए, तो तब तो कमिंग जनरेशन के लिए अच्छा मैसेज जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं कि सजाएं काट के प्लेयर आ जाएं और आप उनको फिर दोबारा खिलाएं, तो फिर तो भाई प्लेयर जो है वो कहेगा ठीक है यार, अपना 1 करोड़ रुपए कमाओ, 5 लाख 10 लाख जुर्माना भी दो, 2-3 साल है वो भी अगर दिन रात मनाए जाए, 5 साल हो तो 2.5 साल वो बाहर रहो, उसके बाद आके फिर पाकिस्तान के लिए खेलो। तो मकसद कहने के कि जब तक आप अपने इसके जो रूल असूल हैं उसको सख्त नहीं बनाओगे तो मैं नहीं समझता कि ये चीज रुकेगी, और ये बहुत बड़ी ये बदनामी होती है पाकिस्तान की, क्योंकि आप ने रूल असूल बनाए भी हुए हैं कि आपकी तो पहली शिक ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो रूल बनाया हुआ है कि अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करता है और आप नहीं बताते हो तो 6 माह से लेके अपना लाइफ बैन तक आपको किया जा सकता है, तो उसके बाद अगर आप कमेटियां बिठाते हैं और ये वो तो सारा, तो उससे फिर जो भी रोजाना की जो रिपोर्ट होती है उसको इंडिया से लेके सारी दुनिया में बदनामी होती है पाकिस्तान की, तो इससे सीरियस काम करना चाहिए। ठीक है अब्दुल कादिर साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। अब्दुल कादिर साहब इस वक्त खमली परम से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि जो खिलाड़ी भी इस तरह की किसी कार्रवाई में मुलव्वस हो उस पर लाइफ बैन होना चाहिए, ये छोटी मोटी सजाएं उसको नहीं दी जानी चाहिए। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक से हमें सोशल मीडिया पर आगाह कर सकते हैं, मुझे ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।